जमानत उस चीज की दी जाती है जिसके पूरा होने का कामिल यकीन हो, और जब कोई काबिले एतमाद हस्ती जमानत दे तो उस काम में किसी किस्म का शुबा बाकी नहीं रहता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तीन चीज़ों की जमानत दी है। फरमाया, सदका देने से कभी माल कम नहीं होता, यानी सदका करना अल्लाह से तजारत करने जैसा है, और उसका नफ़ा आखिरत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी है, यानी माल में बरकत पैदा होती है। और फरमाया, माफ़ करने से अल्लाह बंदे की इज्जत बढ़ा देता है, यानी माफ़ करने से इंसान की इज्जत कम नहीं होती जैसा कि हम समझते हैं, बल्कि अपने मुसलमान भाई की गलती माफ़ कर देने से इंसान मजीद मुअज़्ज़ज़ हो जाता है। और तीसरी ज़मानत ये है कि जो अल्लाह की खातिर आजिज़ी इख्तियार करे अल्लाह उसका मुकाम बुलंद कर देगा। तो जो अल्लाह की खातिर माफ़ करे और आजिज़ी इख्तियार करे फिर उसकी इज्जत और दर्जात की बुलंदी अल्लाह सुबहानहु व ताला खुद फरमाता है। आओ इस पैगाम को शेयर करके इस अजीम मिशन में अपना हिस्सा डालें।